केरल के कोशिकोट में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB-1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। एयर इंडिया का यह विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और घाटी में जा गिरा। दो हिस्सों में इसके बाद यह टूट गया। हादसे के वक्त विमान में 190 लोग सवार थे। इसमें 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इसके साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। यूपी के बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल है, जहां एक महिला दो लड़कों को उठक बैठक करवाकर उन्हें मुर्गा बनाने को कह रही है। असल में ये महिला पुलिस कांस्टेबल है और मेडिकल कॉलेज में ही रहती है, जबकि जिन लड़कों को वहां सजा दी जा रही है वो कॉलेज के ही फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय। रात के वक्त महिला के पेट में दर्द हुआ तो उसने फार्मेसी में इसकी इत्तला दी। जब दोनों लड़के डॉक्टर बनकर उसके पास पहुंचे और अश्लीलता करने लगे तब ये सजा सुनाई गई। लड़कों की अभद्रता देख करके महिला कांस्टेबल ने हंगामा किया और फिर दोनों को पकड़कर सबके सामने सबक सिखा दिया। जबलपुर में पुलिस ने दो लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना शहर की तीन पत्ती चौक के पास बस स्टैंड के सामने हुई। जानकारी के मुताबिक दो लड़के लॉकडाउन के बावजूद शराब लेने के लिए दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से शराब देने की जिद करने लगे। तभी वहां पुलिस की टीम भी गश्त लगाते हुए पहुंच गई। पुलिस को देखते ही लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। एक लड़का भागा तो पुलिस के सिपाही ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे लड़के को भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पहले की तब तक जमकर पिटाई की गई। दूसरा लड़का बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बाराबंकी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सरेआम होती नजर आई। बाराबंकी में एक पुलिस वाले ने खुलेआम शराब पीने से मना करने पर शराबी पुलिस वाले पर ही वो टूट पड़े। इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मी को गालियां दी और वर्दी पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दबंग शराबियों और पुलिस के झगड़े की वजह से अच्छा खासा मजमा लग गया और भीड़ इस मंजर को मोबाइल में कैद करने लगी। वीडियो बनता देख बदमाशों ने लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक छात्रा ने एक टीचर को तमीज का सबक कुछ इस अंदाज में सिखाया कि उसका तमाशा बन गया और टीचर की छात्रा के हाथों हुई चप्पलों की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो गया। दरअसल हुआ यूं कि पिटने वाला टीचर मार्कशीट देने के बहाने छात्राओं के साथ अश्लीलता कर रहा था। कई छात्राओं ने जब इस टीचर की हरकत का विरोध किया तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतारू हो गया। इस पर एक छात्रा और उसकी मां ने सरेआम उस टीचर को तमीज का ऐसा सबक सिखाया और सरेआम चप्पलों से उसकी धुनाई कर दी। मेरठ में सड़क पर लाइव मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह मारपीट एक ऑटो ड्राइवर और एक सवारी के बीच हुई। बताया जा रहा है कि ज्यादा किराया मांगने से वजह से पहले दोनों के बीच बहस हुई और फिर इस बीच नोक झोंक बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई और बीच सड़क पर ही तमाशा शुरू हो गया। ऑटो ड्राइवर की इस बदमाशी का वीडियो मेरठ में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। यहां एक बच्चे को उसके पिता ने खिड़की से लटकाकर बुरी तरह से पीटा। आगरा के जगनेर इलाके में एक बेरहम बाप ने अपने बच्चे को रस्सी से बांधकर पहले तो उसे खिड़की से लटकाया और फिर उसे जमकर पीटा। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को किसी ने भी मोबाइल में कैद करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यूपी के हरदोई शहर के कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। शहर के सिनेमा चौराहे के पास आबिद पेट्रोल पंप के सामने सैनिक ऑटो पार्ट्स की दुकान है और इसी दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। लोगों ने जमकर धुआं और फिर लपटें उठती देखी तो दुकान के मालिक और फायर ब्रिगेड को भी इस बात की सूचना दी गई। पेट्रोल पंप के पास की ही दुकान में आग को देख करके लोग डर भी गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां देर रात एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ही ठप कर दी। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने एम्बुलेंस सर्विस के प्रोग्राम मैनेजर के खिलाफ काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन खबर मिलते ही जिले भर के एम्बुलेंस कर्मी सदर कोतवाली पहुंच गए और एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमओ पर एम्बुलेंस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोग एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर हंगामा करते दिखाई दिए। छत पर चढ़े सभी लोग पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग के छत पर लोग चढ़े वो एक स्कूल है और यहाँ कोरोना सेंटर बनाया गया है। जो लोग छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे वो हाथ हिला हिलाकर बार बार यही चिल्ला रहे थे कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के लोग उन्हें जबरन यहाँ पर कैद करे हुए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव का कहर देखने को मिला। वहां कॉजवे में गुजरते वक्त एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव समेत बाइक समेत बह गया। गनीमत यह रही कि उसके हाथ एक लोहे का खंभा आ गया और उस खंभे के सहारे ही वो टिककर काफी देर तक खड़ा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों और गांव वालों की मदद से उस शख्स को तेज धार से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि यहां बरसात के दिनों में अक्सर ऐसी ही घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बिहार के दरभंगा शहर इन दिनों पूरी तरह से पानी की चपेट में दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जगह जगह भरे पानी को निकालने के लिए लोगों ने पंप सेट लगाकर पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का आरोप यह है कि शहर प्रशासन अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। निगम प्रशासन के दावों और शहर की जमीनी हकीकत का फर्क यहाँ बारिश ने उजागर कर दिया है। सूरत हाल यह है कि यहां लोग खुद ही अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में पुलिस और आसपास के लोगों ने मिलकर 60 साल की बुजुर्ग महिला को खुदकुशी करने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि रामकृष्णपुरम में रहने वाली बुजुर्ग महिला खुदकुशी करने के इरादे से तालाब में कूद गई, लेकिन पानी में उसे डूबता हुआ देखकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने तालाब में कूदकर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाल लिया। राजस्थान के अजमेर में पड़ाव इलाके में टेम्पो के पीछे से सामान चुराने के आरोप में दो लड़कों की जमकर पिटाई कर दी गई। दोनों लड़कों को बीच बाजार में बुरी तरह से मारा पीटा गया और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऑटो ड्राइवरों का आरोप है कि ये लोग अक्सर पड़ाव इलाके में चलते हुए टेम्पो से सामान की चोरी कर लेते हैं। ड्राइवरों का दावा है कि दोनों ही लड़कों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उत्तराखंड के रामनगर में एक बाघ को देखे जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घनी झाड़ियों वाले इलाके में सीसीटीवी में बाघ की तस्वीर नजर आई, लेकिन उस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे इलाके के लोगों में डर बैठ गया। लोगों ने वन विभाग से भी अपील की है कि जल्दी से जल्द इस बाघ को पकड़ने का इंतजाम किया जाए। वन विभाग ने भी लोगों से सुबह और शाम के वक्त घरों से निकलने से परहेज करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के पलसूद इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक सिपाही एक शख्स को बुरी तरह से घसीट रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस का एक सिपाही दो लड़कों से उलझ गया। बात बाइक के कागज दिखाने को लेकर शुरू हुई, लेकिन शराब के नशे में धुत लड़कों ने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लाइसेंस की मांग करते ही लड़कों ने हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने उसे सरेआम सबक सिखा दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वालों को भी सस्पेंड करने की मांग उठी। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहां एक विवाहिता को उसके पति और देवर ने इस कदर पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता को ससुराल ले जाने के लिए जब उसका पति और देवर आए तो उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। ये बात उस महिला के पति और देवर दोनों को इस कदर नागवार गुजरी कि दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। मारपीट के बाद महिला की हालत नाजुक देख करके घर वालों ने महिला के पति और देवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। कर्नाटक के कई जिलों में दो दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोडगु जिले के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। कर्नाटक के कोडगु में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस बीच यहां के लोग उफंती नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को भी मजबूर दिखाई दिए। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में खतरनाक तरीके से बहती नदी के बीच दो लोग आगे बढ़ते दिखाई दिए।
इसके अलावा यहाँ कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कर्नाटक को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।